नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आज दिन भर की यूपी की बड़ी खबरों के साथ। आज का यूपी में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के 75 जिलों में योग अभ्यास हुआ, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ तो लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग अभ्यास किया। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में छात्रों ने स्विमिंग पूल में जल योग किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इसके अलावा लखनऊ में पुलिस लाइन में जवान एक साथ योग करते हुए नजर आए। बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के बीच हुए एमओयू के तहत 10 अमेरिकी स्टूडेंट भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें फारसी उर्दू में शॉर्ट टर्म कोर्स कराने के साथ साथ वैज्ञानिक, कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन के विभागों और भारतीय संस्कृति, भाषाओं और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करने के लिए सहयोग दिया जाएगा। UPATS अब हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होगी। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम को मुहैया कराने के लिए ATS मार्केट सर्वे करा रही है। कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए 30 जून तक प्रोजेक्ट का ब्रोशर और स्पेसिफिकेशन मांगा गया है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोएडा ग्रेनो में चल रहे 194 उद्योग को रेड कैटेगरी यानी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में शामिल किया है। ये उद्योग अनुमति पर चल रहे हैं, लेकिन इनकी लगातार निगरानी जरूरी होती है। UPPCB की टीम हर 3 महीने में निरीक्षण कर इनकी प्रदूषण की जांच करेगी और कमियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बेड क्षमता के मामले में SGPGI जल्द ही देश के सभी एम्स को पीछे छोड़ देगा। मौजूदा समय में एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़ दोनों में करीब 2400 बेड हैं, जबकि लखनऊ PGI में 2167 बेड हैं। यहां जल्द ही 953 बेड बढ़ाने की तैयारी है, जिसके बाद PGI में कुल 3120 बेडों पर मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में पूरे देश में सबसे ज्यादा 4500 बेड फिलहाल KGMU में ही है। अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन को भी अत्याधुनिक और भव्य बनाए जाने की योजना है। इसके लिए निर्माण कंपनी राइट्स को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी माह के अंत में DPR प्रधान कार्यालय भेज दिया जाएगा। अप्रूव होने के बाद अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प का काम शुरू हो जाएगा। ये जानकारी उत्तर रेलवे लखनऊ की ओर से अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान दी गई है। महाकुंभ मेले के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आवागमन का पूरा आकलन और पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कैमरे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस वजह से इन कैमरों को संगम नगरी के 9 रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। AI कैमरों को लगाने के लिए रेलवे और स्मार्ट सिटी के अफसरों की एक टीम काम करेगी। इसके साथ ही ऐप और ड्रोन कैमरे का उपयोग भीड़ का अनुमान लगाने और उसे नियंत्रण करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार लैंड बैंक बढ़ा रहा है। जल्द ही अथॉरिटी प्रयागराज, बाराबंकी, मिर्जापुर, देवरी कला, एटा और रामपुर में 871 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। इन जमीनों पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में तेजी से बढ़ते स्मार्ट क्लास कल्चर के बीच बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों को नई कार्य संस्कृति के लिए प्रशिक्षित कराएगा। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भी जल्द स्मार्ट गुरुजी बनेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य के अच्छे अध्यापकों का चयन कर उन्हें कर्नाटक व महाराष्ट्र आदि राज्यों में भेजकर न सिर्फ उन्हें आधुनिक शिक्षा की ट्रेनिंग दिलाएगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास को भी नए आयाम तक पहुंचाएगा। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने यह प्रस्ताव बनाया है। देश के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज जारी किए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके कारण इन इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।